Assalamualaikum. Good morning. Ladies and gentlemen, girls and guys, you know, chicken, nana, nani, dada, dadi, uncle, auntie, hello everyone. नया दिन नया रोशन से एक नई सुबह का आगाज, एक नए जोश के साथ, एक नए बलबले के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ. ऑफ कोर्स मेरे साथ, मैं हूं फौजिया सज्जाद. मॉर्निंग चिल से थे आप बुध जुमे रात को मेरे साथ 11 बजे तक. मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट. होपफुली आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, जहां जहां भी होंगे. बड़ी धूप सी निकली हुई है, एंजॉय कर रहे होंगे और वाइटामिन जो है मुफ्ता मुफ्ती के लेने की कोशिश कर रहे होंगे. मैं बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में बैठी हुई हूँ. बहुत से लोग जो है ना इस वक्त बहुत ही टफ कंडीशन में, बिकॉज रूटीन चेंज हो रही है. बहुत से प्राइवेट टीचर्स को आज बुला लिया गया है स्कूल्स में, तो SOPs के साथ स्कूल्स की रीओपनिंग हो रही है. अलीजट आगे ठीक है, अभी शामिल करती हूँ सबको. तो ये सारे सिलसिले साथ साथ चलो, व्हाट्सएप वालों को भी शामिल करना है. मैंने इधर तो देख रहे हैं, भूल गई थी. एनजी हुंदा अंग्रेजी गाना लगा दिया मैंने. लोग जरा एंजॉय कर ले, एक्सरसाइज कर लें. जिन लोगों ने करनी है आसान हो जाता है. जो भड़कते फड़कीले से गाने होते हैं ना, उससे बर्तन धोने आसान हो जाते हैं. सफाइयां कर रहे होते हैं लोग, कुछ शेल्फ वगैरह रगड़ा होता है, नाश्ता बनाने के बाद गंदवंद मचा होता है ना, तो वो आसान हो जाता है जरा सारा सिलसिला सारे लोगों के लिए. ठीक है जी, ऐसी ही बात है. ये क्या है, हो गया, इसको भी बंद कर लो, इसकी आवाज आती रहती है ना. Oh my God. Sure. अटेंडेंस ही नहीं लगाई हुई ना, सुबह से आई हुई. और मैं आपसे बात, एक मिनट, जरूरी काम, ढेर सारे काम भी होते हैं ना साथ साथ. चले जी, हो गया मेरा काम, हो गया. अच्छा जी, ये अभी तक गाना सुन रहे ऐसे लगे पागल ही लगे ने आप पे ही, और बस आप पे ही लगे पड़े. अच्छा, मैं आज आपसे कुछ खास पूछने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत ही खास बात, बहुत ही सीरियस बात पूछ रही थी, तो आप सारे लोग हैं वो मुझे सलाम दुआ के साथ जो है वो लगे हुए थे टाइम पास करने. सोशल मीडिया की एक अजीब सी दास्तान है, ऐसे ही होता. खैर, तो आज आपका जो दिल चाहता है आप पूछना चाहते हैं, पब्लिक से पूछना चाहते हैं, तो वो भी पूछ लीजिए. बिकॉज इसके बाद मैंने एक हफ्ते के बाद जिंदगी रही, तो अगले से ऐसा भरोसा ही नहीं कि दमदा भरोसा यार दम आवे ना आवे, छठ झगड़े तो करिए प्यार दम आवे ना आवे. और दम तो आवे या ना आवे, लेकिन BGM आ गया. यहाँ पे चलते हैं वापस. अस्सलाम वालेकुम. अगला घंटा शुरू हो गया हमारे शो का, 10:08 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक. मॉर्निंग चेंज सेंटर, आप 11 बजे तक आपका मेरा साथ. मैं हूँ फौजिया सज्जाद. 0535-306-0916-0101 आपका मेरा रब्ते के नंबर. अच्छा, व्हाट्सएप पे जो लोग मौजूद हैं, तानिया कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम. और तानिया, मुझे आपकी ना ये जगह नहीं पड़ जा रही, चकोड़ भोल चाकियोर, सॉरी. हाँ, अच्छा, सज्जल अली जोड़ा से स्टिकर इनका. अच्छा, ये अपनी एजेंसीज और अपनी दुकान और ये सारे नाम साथ साथ लिखे, तो ये तो नहीं अनाउंस हो सकते. रिजवाना गिरियाला ठीक हो गया. और तन्हाइयां कैसे कैसे मैसेजेस हैं, यानी शो के अंदर भी ऐसे मैसेजेस हैं. हल करते हैं, तुसी रहने दो, कोई जरूरत नहीं हमें. फेसबुक पे आ चुके हैं हम वापस. और कौन कर हमारे साथ, हनी बटे कह रही है कभी एक दिन बाद आपको सुन रही हूँ गुजरात से. कई दिन के बाद होगा, मैं गलत पढ़ी, कई दिन के बाद. हनी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे मुलाकात हो रही है ना. मेरे ख्याल में तो साल से ज्यादा हो गया. बल्कि कैफ इफा, बहुत अच्छा शो करती है आप, बहुत शुक्रिया. कैफ, व्हाट अ स्ट्रेंज नेम, कैफ इफा. ये इफा साथ वाला जो है वो थोड़ा अलग से है ना. और कौन है जी, वकास अहमद राजा कह रहे हैं सलाम फ्रॉम टीचर्स. अच्छा जी, हवाई जहाज से भी सारे टीचर्स को, पूरे स्कूल्स को, पूरे
कैंटीन वालों को खास तौर पे सलाम हो। और पहचान लिया, हाँ पहचान लिया ना, सब पहचान लिया, किसी भी टीचर कम्युनिटी वाले बेचारे मुतासरीन में से है ना, कोरोना मुतासरीन में जितने भी लोग थे। और कौन है हमारे साथ, आते जाइए आते जाइए। आज की बात नॉर्मल, एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि खास बात करिए ना इधर अपने मत्था जो है ना खराब करें। तो आप मुझे बताइए कि जो मत्था लग जाता है सुबह सवेरे, कहते हैं अच्छा रेडियो पे आवाज जा रही है ठीक, नहीं इधर पैनल पे ना लाइट्स होती है, उससे पता चलता है बाहर कितनी आवाज आ रही है। कहते हैं कि जी सवेरे सवेरे मत्था लगे अब सारा दिन खराब गुजरेगा हमारा, और इस तरह की बहुत सी बातें होती है। तो आपने कॉलेज आपने भी यही बताना है कि ये जो सवेरे सवेरे मत्था लगता है इसका कितना को असर होता है। अब ज्यादा फिलोसफर बन के बात कोई नहीं करेगा, जो रियलिटी है जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, और जो हमारी मिथ्स हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके मुताबिक सच्ची सच्ची बात अगर आपने करनी है तो जरूर कॉल कीजिए 0537601961 0537601961। पीछे से पढ़ती हूँ। अच्छा जी, गुलफाम फरीद अहमद कहने सलाम टू ऑल, ओके आपका सलाम पहुंच गया। जी जेट आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, वही हूँ मैं जो आप लिख रहे हैं। और रेम्बो खान सऊदीया से हैं। अच्छा जी रेम्बो जी, बड़े अरसे के बाद किसी ने मेरा पुराना नाम लिखा है, जी जेट वही हूँ मैं। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, रेम्बो हो गया ना सलाम दुआ। सलाम दुआ के अलावा भी क्या जो लोग सऊदीया में उनके अभी मत्था लगता है, जैसे पाकिस्तान में हमारे गली मोहल्लों में व्हाट्सएप कैसे ज्वाइन करें, नंबर भी सेव है आपका, मैं कैसे ज्वाइन करना 0302-395-9797-0302-395-9797 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, और खाली मैसेज ही करना है पेड़ियो चंगी हो। अच्छा जी टॉपिक ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द डे विकास राजा यही है ना, गुजरात कब आ रही है, गुजरात नहीं आ रही अभी ना। रिजवान जानी बोल रहे खाला जी की हाल है, रिजवान अहमद फ्रॉम जर्मनी, पुत्र बिल्कुल ठीक ठाक, रफाकत में हुसैन गुच्छो ओ का। आज ही बात है, इधर तो मैं भूल ही गई, कभी मैं इधर भूल जाती हूँ कभी इधर भूल जाती हूँ, उम्र का तकाजा हो गया ना, बुढ़ी हो गई ना तो समझ में नहीं आता। अच्छा मत्था जो लगता है हमें ना, एक नॉर्मल टर्म हम यूज करते हैं, बाहर निकलते हैं ओह अच्छा रिजल्ट थैंक यू वेरी मच, हम बाहर निकलते हैं गली में और फिर वापस आ जाते हैं भाग के ना, कुछ लोग क्या हुआ वो बाहर फैला खड़ा है, पैड़ा मत्था लग जाएगा, सुबह सुबह सारा दिन बकवास गुजरेगा, सारा दिन नुकसान हो जाएगा, इस किस्म की बहुत सी बात होती है। तो क्या वाकई को मत्था पैड़ा लगता होता है, और कभी हमने ये क्यों नहीं सोचा कि हम भी तो लोग हैं, और जो बाकी लोग हैं या जिन्हें हम पैड़ा मत्था लगना कह रहे होते हैं, मतलब जिनकी वजह से हमें मनुष्यत को याद होती है नहुसत, तो क्या हमारी वजह से उन पे नहीं जा रही होती होगी। ये जो मत्थे लगते रहते हैं एक दूसरे के, पैड़े मत्थे जो लगते हैं सती सवेरे, वो कहते हैं काम सारे दिन खराब होगा, कोई काम करने जा रहे हो तो अभी वापस आ जाओ क्योंकि फलां बंदा जो है वो सामने खड़ा है, उसकी नहुसत हो जाती है, और ये वो इस किस्म की बातें हैं जो आपने मुझे वो बतानी कि आप क्या कितना इस पे अमल किया जाता है, कितना इसको यकीन रखा जाता है और कितना माना जाता है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जबार एथेंस यूनान से, आपको तमाम सुनने वालों को सलाम। जबार मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ बताए ना। वसीम अब्बास थैंक यू वेरी मच, मैं भी आपको जीजेट बहुत मिस करती हूँ, मिस यू टू। अच्छा मुझे बताए ना, अब ये तो एक नॉर्मल बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप लोग नहीं बता सकते, कुछ तो बताया करे, कुछ तो पार्टिसिपेट किया करे सलाम दुआ के अलावा भी, मतलब ये क्या बात हुई। और कौन है जी, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, शारजा यूएई से अरशद हमारे साथ है, दोतर मोहम्मद अरशद। अरशद क्या शारजा में भी लोगों के मत्थे लगते हैं पैड़े, नहुसत होती है? रिजवान जानी कह रहे बिल्कुल लगता है जी, मत्था पैड़ा लगता होता है हमारे ना, क्योंकि मेरे गली मोहल्ले में कोई सुनी ना रो ना, मुझे डर तो नहीं लगता मेरे, लेकिन मेरी अम्मी फिर गुस्सा होती है। हमारे अभी ना एक बीबीसी उन्हें बोला करते थे, खातून होती थी, तो वो उसको खड़ा देखे ना लोग वापस घर के अंदर चले जाते थे, तो मैं पूछती थी क्या हुआ, देन माय मदर टोल्ड मी कि ये ना कहते होते हैं कि ये खातून खड़ी है और निकलते हुए जब इनको देख ले कोई सारा दिन का, अब तो अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उनकी डेथ हुए भी काफी ऐसा हो गया, लेकिन वो एक पूरी गली के लिए ना पैड़ा मत्था हुआ करती थी। मतलब मैंने सुना था बचपन में कि ये चीज, अभी मैंने रास्ते में बातें सुनी कुछ लोगों की, तो उससे मुझे फिर याद आ गया कि पैड़ा मत्था लग गया। तो अब ये क्या क्या सीन है, आप लोग कितना इसको मानते हैं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए। बस सलाम दुआ सलाम दुआ सलाम दुआ सलाम दुआ, तो मैंने बैन कर दिए, एक दफा सलाम हो गया ना ठीक है, सबको सलाम हो गया, सबको वालेकुम सलाम हो गया,
बट आपने अब मुझे बताना ये कि ये जो मत्थे लग जाते हैं हमारे यहाँ, तो ये कितना इसमें सच है, और ये नहुसत वाकई होती है फिर किसी बंदे की किसी चीज की। रिजवान जानी कह रहे हैं हमारे पिंड में एक आंटी होती थी जिनको देख के सारा दिन बहुत बुरा गुजरता था। ये बहुत सी आंटीज होती हैं, अक्सर आंटीज ही पैड़ा मत्था होती हैं। ये क्या बात हुई भला, खवातीन के साथ ये नथी कर दिया गया। सारी एफिलिएशन जो है वो मोस्टली इलाकों में खवातीन होती हैं जिनको देखे रहते हैं, हाँ सत्ती सवेरे निकल मत्थे लग गई और अब सारा दिन जो नुकसान होगा काम होगा, अभी ये नहीं करना। जमील जमील इलाही सलाम दुआ के अलावा, और की सुनना है आपने, मैं जवाब सुनना जो पूछती हूँ और ये सुनना मैंने। अड्डे जी मैंने छेदा पारा सुनान वाले, तेरा तो पहाड़ा सुनाओगे, टेबल आते हैं आपको जमील जमील ओ जमील जिम्मी टेबल आते हैं। अच्छा 10:15 हो जाते हैं और हमारे पास ब्रेक टाइम आ गया। वो बेचारे जो उधर बैठे ना वो बस आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, आप लोगों ने तो की नहीं मेरी सुन रहा है। अरे सर रेडियो पे ब्रेक टाइम है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और कॉलर्स आप लाइव आके बताइए ये जो पैड़ा मसा लगता है क्या आपके गली मोहल्ले में भी लगता है, क्या आपके यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है। It's 10:15 AM. This time check is brought to you by the Bank of Punjab. Rakhe pair number of no ka khayal. अच्छा पैड़ा मत्था लगता है लोगों का और नुकसान हो जाता है जी, हमने नहीं ये काम करना, वापस आ जाओ और ये वो। और मैंने अभी देखा, अभी मैं रेडियो पे यही बात कर रही थी पिछले घंटे पे आपके साथ, एक घंटा लेट आती हूँ मैं, कि ना गाड़ी होती है, गाड़ियां मैंने दो देखी आज, उनके पैर जूते लटक रहे थे। यानी और कॉन्सेप्ट ये है लोगों का कि जूते लटकाने से गाड़ी को नजर नहीं लगेगी, अल्लाह की शान है। अब मैंने उस गाड़ी, मैं मोस्टली ऑब्जर्व नहीं करती गाड़ियों में क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन बैठा है क्या नहीं, लेकिन वो जूता लटक रहा था तो मैंने लाजमी देखा कि गाड़ी क्या है और कौन है कि मतलब क्या लोग बैठे हुए अंदर ही वो। यानी आपको अगर नजर लगने का डर है तो जूता लटकाने के बाद तो ज्यादा लोग देखते हैं, अगर आप नॉर्मली गुजर जाए तो शायद कोई देखना भी ना पसंद करता हो आपकी गाड़ी को, गाड़ी आपकी आप जाने लोगों को क्या लगे इससे, या अगर कोई देखता भी है तो उसकी क्या नजर लगनी, मतलब रोड पे इतनी गाड़ियां होती है लेकिन जूता लटका हुआ होता है। तो मैंने सुबह दो आते हुए देखी, वो भी एक लोगों का कॉन्सेप्ट है, मिथ्स में आता है बल्कि, कि जूता लटकाने से नजर नहीं लगेगी गाड़ी को। तो गाड़ी को अगर नजर लगती तो आपको ज्यादा नहीं लगती होती, अपने गले में भी फिर डाला करे बंदा, अगर जूते से नजर से बचा जा सकता है, इंसान तो ज्यादा कीमती, गाड़ी से ज्यादा कीमती है ना, तो अपने बच्चों के गलों में अपने गलों में फिर बंदे को जूते डालने चाहिए, कैसी अजीब बात है। लिटरली वो गाड़ियां जिन पे जूते लटके हुए होते हैं वो खुद अट्रैक्शन लेती हैं, उनको देखा जाता है, चाहे दूसरा आराम से गुजरना भी चाह रहा ना, लेकिन जब जूते लटके हुए देखे तो मतलब हम खुद ही उसको अपने लोगों को अट्रैक्शन दे रहे हैं और अपनी तरफ तवज्जो करवा रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि नजर लग गई है, फिर हम कहते हैं कि पड़ा मत्था लग गया है। मतलब क्या क्या चीजें हम लोग और क्या हमारी सोचे हैं, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, नई नई वैक्सीन बन रही है, आईटी में इतना हो गया, उड़न तश्तरियां जो है लोगों को नजर आने लग गई हैं, पाकिस्तान में एलियंस आने लग गए हैं, अभी 2-4 दिन से तो ये भी चल रहा है। तो हम अभी तक यही बैठे हुए हैं कि जी फलां आंटी जो है वो बड़ी मनहूसी हैं, अल्लाह माफ करे, मतलब नहुसत क्या होती है, मनहूस क्या होते हैं यार, फलां आंटी को अगर मत्था लग गया या फलां साहब जो है वो देख लिए तो वो फलां का बच्चा रो पड़ा तो ये भी बड़ी नहुसत है, आज काम सारे खराब हो जाएंगे, और ये मतलब किस तरह से क्या कुछ भी सोच लो। और इस पे मेरा मुझे ये लगता है कि जितना हम पक्का एतमाद रखते हैं ना किसी चीज पे वो सामने आते हैं। अगर मैं कहूं कि जिस बंदे को सारे लोग कह रहे हैं कि इसको अगर आपने घर से निकलते देखा तो आपका सारा दिन का नुकसान है, सारा दिन तबाही है, सारा दिन जो है वो बुरा गुजरेगा, लेकिन मेरा अगर ये यकीन है कि जी कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये यकीन रखूँ हाँ अब ऐसा ही होगा, ये मनुष्य मत्था लग गया मैनू, तो वाकई मेरा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट आई थिंक बिलीव, हम जो यकीन रखते हैं एतमाद रखते हैं उसकी वजह से सारा कुछ होता है। आपको क्या लगता है, बस इस बारे में बात करी और आप लोग भी बता दें मुझे, एंड तो घूके तो गुड़ खा के बैठे हो, कुछ बोलने ही नहीं होता आप लोगों से। आ गया पीछे हम आगे ना बूते चलते। अच्छा तो प्यारे लिसनर्स आगे हम वापस, आप मुझे बताइए 0537601961 पे कॉल करके लाइव आ जाइए, आपने मुझे बताना है कि क्या वाकई नहुसत लोगों की होती है, अल्लाह माफ करे, मतलब ये किस किस्म की बात है, बात करते हुए भी अजीब लगता है, क्या वाकई लोगों का मत्था जो है वो पहला हमें लग जाता होता है,
क्या वाकई सारा दिन बेकार हो जाता है, कोई पैड़ा मथा लग जाए तो। और कई मैंने हस्बैंड्स को भी देखा है, शोहर बीवी आपस में अक्सर गली में ही लड़े होते हैं लोग बहुत से ना, तो सो कहते हैं सवेरे सवेरे मैंने मत्थे ना लगी, आवाजें आ रही होती है लोगों के घरों से भी बाहर, सवेरे सवेरे मैंने मत्थे ना लगी। तो ये जो मत्था लगना है ना, ये क्या है, क्या लगता है जिंदगी में कहाँ पे है, और पाकिस्तानी की जिंदगी में खासतौर पे ना। फोन, हेलो, समथिंग गोना वोंग। पहले तो बज रहा था, जब मैं लाइव कॉल लेने लगती हूँ ना तो इसको कुछ हो जाता है। खैर, आज की बात इसी हवाले से कॉल है। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में आपका और मेरा रब्ता आज फिर नहीं हो पाएगा। किया तो मैंने आज कुछ नहीं, खुद ही हो गया आज, अक्सर मैं कर देती होती हूँ लेकिन आज मैंने कुछ नहीं किया सच में। इधर फेसबुक वालों को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरा कला टाइम है, बस हैं आप? सिद्दीक शाकिर कह रहे हैं, और मोहम्मद आरिफ सही है, अस्सलाम वालेकुम सुबह खैर, या अल्लाह जो बीमार उनको शिफाए कामला अता फरमा। कामला आपने गलत लिखा है, एक तो मुझे उर्दू डिक्टेशन कराने का बड़ा शौक है, गलत उर्दू जो है ना मुझे बर्दाश्त नहीं होती भाई, सॉरी टू से। का ये जो है ना काफ अलिफ का दूसरे वाले काफ से होगा, और जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर कर दे आमीन। सारे लोग बोले आमीन। उमर डार कह रही है जूते और हांडिया सब तोहमात है। बिल्कुल, जूते अगर आप गाड़ी में लटकाते हैं तो नजर तो इंसान को भी लग सकती है, फिर गले में भी डाला करे ना। और अच्छा मैं ग्रेट हूँ, मैंने खून पे था लग गया है। कौन बोल रहा है? रिजवान जानी बता रहे मुझे। मेरे ना एक ये स्टूडियो होता है ना, स्टूडियो के इधर उधर इधर चारों तरफ ऑफिस ऑफिस होते हैं, नीचे भी बहुत से ऑफिस होते हैं, तो कुछ ऐसी शक्लें आसपास, कुछ ऐसे अनासिर आसपास, कुछ शर पसंद अनासिर आसपास, अच्छा लगता है सुबह सुबह देखना, कोई हर्ज नहीं है। फिर मैं इनको मत्था नहीं समझती होती। अच्छा कॉलर तो अब नहीं आ सकता सिंपली। मैं क्या कह रही थी, आप लोग कुछ कैसे? ये बचकाना बातों के अलावा क्या हो सकता है? अरिब कह रही है, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, कह रही है कि कह रहे हैं, मैं इधर से देखती हूँ, उधर से जरा दूर पड़ रहा है, उधर से आप दूर के रिश्तेदार होते हैं, इधर से सामने से जरा करीब के रिश्तेदार आ जाते होते हैं। आप हमारे होते हैं ना कुछ बहन भाई, तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा सारे होते हैं ना, तो एक सबसे बड़ा जो होता है मेरे ख्याल में वो सबसे छोटे बहन भाइयों को इंट्रोड्यूस करवाते कहता होगा ये मेरा दूर का रिश्तेदार, ये मेरा दूर का बहन है या भाई है। वो कैसे जी, हमारे बीच में कोई 8-9 बहन भाई है ना। आमिर डार कह रही है ये मत्था है या बिल बोर्ड। ये तो पूछ रही हूँ मैं, ये क्या है? अरे हाशमी सिंह, ये बचकाना बातों के अलावा क्या हो सकता है? अरीब है या अरीब है, मैं पता नहीं अब गलत बोली है सही, असल में रोमन उर्दू में तो कुछ समझ में नहीं आता ना, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ये चाइल्डिश सोच से भी आगे की कोई चीज है। अब तो बच्चे भी, आप बच्चों को भी कुछ सिखाना चाहें ना तो वो भी नहीं मानते, वो प्रैक्टिकली करके देखते होते कि नहीं ऐसा है या नहीं है। मतलब मेरा पहला कमेंट भी शामिल करें आमिर डार कह रहे हैं, मैंने कर दिया ना ये मत्था या बिल बोर्ड आपने बोला, इसके अलावा और क्या बोला था आपने? है कर दिया टन टन, बस इतना ही था ये मेरे ख्याल में, यही था वो आपका कमेंट जो मैंने शामिल कर दिया। तो ये मेरा, आपने मेरे मत्थे को बोला है बाहर बिलबोर्ड लोगों के कॉन्सेप्ट को जो मिथ्स हैं उनके उसको बोला है। लिसनर्स, आपको मैं गाना सुनवाती हूँ क्योंकि आप तो बोर हो रहे होंगे, लिसनर्स को अपने कॉल करने का मौका ना मिले तो वो बोर हो जाते हैं। अच्छा हर बंदा जो है ना वो अपना सोचता है और उसको लग रहा होता है कि अगर मुझे शामिल नहीं किया जा रहा तो बस ये फिजूल बात हो रही है, फिजूल काम हो रहा है। अभी कॉलर्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, कॉलर्स रियली सॉरी, पता क्या हुआ है? मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है, आपकी कॉल में क्यों नहीं ले पा रही। सलाम कबूल करे दुबई से, तबस्सुम सेठ कह रहे कबूल है कबूल है कबूल है, पूछे कोई प्यास से तो कहना हाँ कबूल है। तबस्सुम सेठ, ये सेठ आपको वो सेठ है, बड़े वाले सेठ है, डॉन वाले माफिया वाले, ये वैसे नाम के साथ सेठ लग रहा है। सवाल है, कोई भी सवाल जेहन में आ सकता है ना भाई, छोटी मोटी बातें। अच्छा हमारे साथ फेसबुक पे है आबिद मुनीर, सलाम। अच्छा जी सारी 97 की टीम को सलाम आ गया है, अच्छा जी थैंक यू आबिद। और कौन कौन है? ठीक हो गया तुझे सारे जो भी कह रहे ना, ठीक कह रहे, लेकिन सवाल का जवाब कहीं से सही नहीं आ रहा। पैड़ा मत्था जो लगता है लोगों का, मियाँ बीवी भी कह रहे, सवेरे सवेरे मेरे मत्थे ना लगे, कुछ लोग ना देखिए ऑब्जर्वेशन होती है, अब जरूरी नहीं कि मैं हर घर में झांक के तो फिर मैं देख कर आ रही हूँ तो मुझे पता चले, या मैं इतना को फिरती रहती लोगों के घरों में कि मुझे लोगों के नहीं मुंह धोने वाला कमेंट प्लीज प्लीज। अच्छा
तो लोगों के घरों में जा जा के तो मुझे पता चल रहा होता है कि लोग क्या कहते हैं. नहीं, ये जरा मेरी ऑब्जर्वेशन की ना, दूर भी कोई बात करो तो मुझे खुद ही पता चल जाता है. सुनने कान लगा के सुनने की नौबत नहीं आती, पता चल जाता होता है मुझे. तो अक्सर मैंने ये देखा है, लोग कह रहे होते हैं, मियां बीवी लड़े होते हैं कि मेरे मत्थे ना लगी, पैसे नहीं सुबह सुबह मांगने. कई घरों में ये भी होता है, सुबह सुबह पैसे नहीं मांगने, ये भी पैड़ा मत्था होता है. अगर आपने पैसे मांग लिए तो जी ये गलत है, हमारी जेब से सुबह सवेरे पैसे जाएंगे और सारा दिन जो है हम पैसे देते रहेंगे. मतलब पैसे देने, अगर आपने कोई चीज खरीदनी है तो पैसे देने, अगर आपने उधार लिया हुआ है तो वो वापस करना है, अगर आपके बिल्स आए हुए तो आपने बिल पे करना है. तो वो तो ऑलरेडी आपने हर चीज करनी करनी थी, उसमें पैड़े मत्थे का क्या कसूर हो गया या पैड़ा मत्था कहाँ से लग गया जिसकी वजह से आपके सारे पैसे निकल गए. अजीब सी बात है ना. अच्छा, मोहम्मद आरिफ कह रहे जल्दी में लिखा है इसलिए कामला गलत हो गया. कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, होता रहता है. मैंने वैसे बताया कि शायद आपको अगर यू नो मतलब एक टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, कभी टीचर थी अभी मैं फटीचर हूँ, तो इसलिए बता दिया था. जमील लीलाई कह रहे हैं आपकी बातों से तो मुझे लग रहा आप रोज किसी ना किसी के मत्थे लग के आती है. और जी इधर पूरी एक दुनिया है जो मुतासिर होती है, हाय रब्बा, माथे माथे में हाथ रखे कहते होते हाय रब्बा सवेरे सवेरे मत्था लग गया. मतलब आई एम जगत मत्था, पूरी दुनिया के लिए मैं एक मत्था हूँ जो सुबह सवेरे लग जाता हूँ. लोग परेशान हो जाते हैं अक्सर, मैं भी एक पड़ा मत्था हूँ मुझे लगता है. लगता है क्या मतलब हूँ लोगों के लिए शायद ना. आपने सही पूछा जमील, क्या दूँ आपको, ये माइक आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ गाना सुना आपने. अच्छा जी, होता है मेरे ख्याल में सुबह सवेरे बहुत से लोग. अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आ गई, अभी वो सुन नहीं रहे होंगे, रमीज गुजरात में सुनते होते हैं. और एक दिन सुबह सवेरे उनकी कॉल आई, नहीं मैं शो कर रही थी, एक दूसरे चैनल से मैं शो कर रही थी, उन्होंने मुझे मेरे नंबर पे कॉल किया, एक पुलिस मैन है हमारे जानने वाले घर फैमिली में, नहीं मतलब वैसे ही न्यूज़ वगैरह के हवाले से जान पहचान के या फेसबुक सोशल मीडिया के हवाले से आपके लिए बड़े अच्छे दोस्त. तो उन्होंने मुझे कॉल की, कह रही सवेरे सवेरे ना थोड़ी आवाज़ सुन ली है तो अल्लाह खैर करे. अभी यही बात हुई उन पर, इतना बुरा जो उनके साथ हुआ उसके बाद कि मैं खुद शर्मिंदा हो गई कि वाकई मेरी आवाज़ सुनने के बाद उनके साथ ये हुआ. और कई दिन तक मैं शॉकिंग कंडीशन में थी कि अभी एक बंदा कॉल करके मुझे कह रहा है कि सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुन ली, अल्लाह खैर करे, अब बाकी दिन अच्छा गुजरे. अच्छा, मैंने कहा भी नहीं कि आप सुने, खुद ही गाड़ी में बैठे और रेडियो लगा सुन ली, और उसके बाद कॉल करके बताया भी, और उसके बाद मुझे पता चला उसी बात के ख़त्म होते ही उनके साथ बहुत बुरा हो गया था. और वो सालों चला फिर उनके साथ वो सिलसिला जो भी चल रहा था. अच्छा, माई की काफी है, दिल दियो माफी दियो. अच्छा, गाना सुनवा दूं उनको, सुनवा देती ना. सुने जी प्लीज, रेडियो वालों को गाना तो सुनवा ना, बेचारे कब से मेरी बात सुन रहे हैं, उनकी आवाज शामिल ही नहीं हो रही, फोन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है शायद. आप भी सुने जरा थोड़ा सा. स्लो तो नहीं मैंने लगाना था भाई, अभी फास्ट हो जाएगा, सबर. अगर रमीज देख रहे हैं तो रमीज, मैंने आपकी कितने साल ये पुरानी बात थी जब मैं आपके मत्थे लगी थी तो ये हुआ था, हैं काफी साल हो गए ना, बस मुझे वो भूलता ही नहीं टाइम कि आपने कॉल करके मुझे बोला और उसके बाद जो आपके साथ जो है वो गड़बड़ हो गई. मतलब एमए मुझे एक्यूज बना दिया, मुझे खाम खा का जो है वो गिल्टी बना दिया कि जी मेरी वजह से हुआ था, मतलब मेरी को मनुसियत लग गई. वैसे मुझे लकी चैम कहा जाता है, लोग कहते हैं, मेरे अब्बा भी जो है ना वो कहते होते थे कि मैं पारिस हूँ, खुद मैं भले पत्थर रहती हूँ लेकिन लोगों को जो है वो मैं उनकी लक जो है वो संवर जाती है, वैसा काम करने वालों की रहने वालों की. और ये वो मतलब दिस टाइप ऑफ थिंग पहला मतलब बस मैं जिंदगी में एक ही बंदे के लिए बनी थी, उसने मुझे कॉल करके कहा ही था और जैसे वो बात खत्म हुई उसके साथ बहुत भी बुरा हो गया. तो मेरे ख्याल में ये एतमाद होता है, एतकाद होते हैं, मतलब जो हम जितना ज्यादा कंसर्निंग हो के कहते हैं कि ऐसा होता है, वहम करते हैं, वहम का इलाज तो फिर नहीं है ना. तो जितना ज्यादा हम फोकस करते हैं कि ये हो जाएगा फिर वो हो जाता है, इसीलिए शायद कहा जाता है अल्लाह की तरफ से भी कि अच्छा गुमान करो, अच्छा गुमान करोगे तो अच्छा मिलेगा. पॉजिटिव पॉजिटिव रहे,
कोई मथा शथा पैड़ा नहीं होता, कोई बंदा मनहूस नहीं होता, नहूसत कुछ नहीं होती। ट्यूसडे को लोग काम नहीं करते होते कि जी बड़ा ही को मनहूस दिन है, नाश दिन है, ट्यूसडे में कुछ नहीं करना, शादी की तारीख नहीं रखती, यहाँ बिजनेस नहीं शुरू करना, और इवन बाजार से कुछ लेने नहीं जाना, कोई बड़ी कीमती चीज़ खरीदनी है तो ट्यूसडे में, मंगल में नहीं, मंगल पैगे संगल इस किस्म के भी होता। मतलब क्या है, क्या चीजें हैं ये सारे। अच्छा सिर्फ हम नहीं, अंग्रेज भी खैर से वो कई चीजों में हमारे साथ साथ शामिल है। नंबर 13, उनके होटल्स में 13 नंबर का कमरा नहीं होता, अमेरिका में भी नहीं होता। ज्यादातर वो 13 नंबर को जो है बहुत ज्यादा ब्रोकन मिरर को, टूटे शीशे को वो भी मनहूस कहते हैं, हमारे यहाँ भी नहूसा समझी जाती है। मेरे ख्याल में इनकी कोई ना कोई लॉजिक बनती है, टूटा शीशा नुकसान देता लग जाता होता है और मतलब ब्लीडिंग हो जाती है, जख्म हो जाते हैं, शायद इसलिए इसको कहा गया हो कि टूटा शीशा घर में नहीं रखते, लेकिन लोगों ने इसको वहम के साथ अपने अपनी मिथ्स के साथ जो है एसोसिएट कर लिया। और 13 नंबर अंग्रेज भी उससे भागते हैं, 13 नंबर का रूम नहीं होता, 13 नंबर का अगर माले हैं 12-13 12-12वें माले के बाद 13वां नहीं होता, 14वां माला माले मतलब क्या होता है स्टोरीज जो होती है, तो ट्रिपल स्टोरी के बाद आगे स्टोरीज जो चलती चल जाती है, तो 12th के बाद 13th नंबर की स्टोरी नहीं होती है, 13वां माला नहीं होता, ऊपर 14वां हो जाता डायरेक्ट। तो ये अंग्रेज भी करते होते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, लेकिन बड़े संगीत पाको हिंद के लोग, ये जो इंडो पाक के लोग हैं ना, इनके तो हर काम ही निराले है, इनके हर बात निराली है। दुल्हन के हाथ में लोहे की चीज मेहंदी की, दुल्हन के हाथ में पकड़ाओ लाजमी, उसको जिन चुड़ैले आके डराएंगे, छोटे बच्चे को भी डराएंगे, उसकी तकिए के नीचे छुरिया रख दो, पता नहीं क्या लोहा रख दो, क्या कुछ करते रहो। बड़े अजीबो गरीब से हमारे जो है ना, ब्रेक टाइम आ गया, बड़े अजीबो गरीब से हमारे होते हैं मिथ्स कह लें, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं अजीबो गरीब से। और क्या होता है, और कुछ होता है, मतलब यही होता है ना कि मंगल को काम नहीं करना, और क्या करना है, हाँ मगरिब के बाद झाड़ू नहीं देनी। अरे झाड़ू क्यों नहीं देनी, सफाई ने इसफे माना है, जिस वक्त मर्जी दो झाड़ू नहीं देनी, बाल नहीं खोलने, कंघी नहीं करनी। चलो जिन चुड़ैले, मजाक नहीं मैं उड़ाती, अब पहले मैं बहुत मजाक उड़ाती थी, लोग मना करते थे जिन चुड़ैले का मजाक नहीं उड़ाते, तो बाज नहीं आती थी, अब मैं बाज आ जाती होती हूँ, तो अंदर अंदर मैं मजाक उड़ा रही होती। मेरे ख्याल में दिल के अंदर उनका मजाक उड़ा तो उन्हें पता नहीं चलता वैसे, हैं उड़ा सकते हैं ना दिल में तो जिन चुड़ैलों से। मुझे नहीं डरा जाता जिन चुड़ैल, मुझे लगता है इंसान से ज्यादा बड़ा भूत कोई नहीं है दुनिया में। इंसान अगर चाहे ना तो वो जिन भूतों पे भी हावी हो जाए, बस चाहता नहीं है, कमजोर पड़ जाता है। खैर इनकी तो बात ही छोड़ो, वैसे मुझे डाकू भी किसी जमाने में बहुत अच्छे लगते थे, यहाँ पे इसी सीट पे बैठ के, यानी जो सीट उस जमाने में हुआ करती थी, इधर आगे पब्बी है, पब्बी में डाकू हुआ करते, तब तो पुलिस अक्सर ऑपरेशन करती है ना वहाँ, तो उस जमाने में जब हम 2012 में हुआ करते थे, 2011-12-13 में जब हम यहाँ शोज किया करते थे, तो आगे पब्बी में डाकू हुआ करते थे, हम यहाँ से बैठ के डाकू को सलाम किया करते थे, तो उन्हें कहते थे कभी लाइव आए हमारे साथ, कभी हमारे सामने अपनी शक्ल दिखाए। अब तो पुलिस वाले ने बेचारे डाकू ही भगा दिए, मार दिए सारे के सारे, क्या कह सकते हैं। मैंने कभी लाइव डाका नहीं देखा, उसकी भी हसरत है, लेकिन डाका मेरे घर या ऑफिस में ना पड़े, बाहर कहीं पड़ो ना तो मैं देख लूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश, छोटी छोटी ख्वाहिश है मेरी, बहुत छोटी छोटी, बस दुआ करें पूरी हो जाए। और कितना इधर मैं ना ये रख लूँ जरा, थोड़ी सी चीज़ें, सब्र करें आप, मैं आप लोगों को अब शामिल करती हूँ ब्रेक के बाद, जब वहाँ जाते हैं फिर आप लोगों को बाइशा कहूँगी, हैं क्योंकि आप क्या बात करें अभी मैं वो देखती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें और जिससे बहुत बड़े बड़े स्यापे भी पड़ जाते होते हैं घरों में। अच्छा दुल्हन ने ये पाँव अंदर रख दिया, चले कोई ट्रेडिशनल चीज़ होती है, हम उसको मान भी लेते होते, लेकिन ना कैंची नहीं चलानी, लड़ाई हो जाएगी, झाड़ू के ऊपर से नहीं, नहीं भाइयों को झाड़ू नहीं मारना, छोटे बच्चों को झाड़ू नहीं मारना, वो उसको सूखे की बीमारी हो जाएगी। अरे डायरिया का झाड़ू लगने से क्या ताल्लुक है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ऊपर से नहीं टापना, कद छोटा रह जाएगा वो, खुदाया ये बातें नासा के साइंसदान सुने तो पागल हो के रह जाए, यानी कि ऐसा भी होता है। और कैंची चलाने से लड़ाइयाँ हो रही हैं, और जबानें हमारी अपनी कंट्रोल में नहीं होती, दिमाग हमारे अपने काबू में नहीं होते, जज्बात हमारे काबू में नहीं होते, लड़ाइयाँ तो इस वजह से होती है। कैंची चलाने से क्या फर्क पड़ता है, कोई मुझे ये समझा दे, कोई मुझे ये बता दे, मुझे तो मैं सीखना चाह रही हूँ, प्लीज आप मुझे ये बताएं समझाएं ये सब क्या चलता है हमारे यहाँ, कैसी चीजें ना, ढेर सारी ऐसी चीजें। अब हो सकता है कि ये बड़े बड़े लोग भी, अब हमें क्या पता बड़े लोगों की बातें, बड़े लोगों को भी वहम होते हो, टूटा शीशा, कैंची चलाना और ऐसी सारी चीजें। वैसे क्या आदमी लोग ज्यादा वहम करते हैं या औरतें, ये भी एक बात है, वैसे आदमी ज्यादा वहम करते हैं या औरतें,
मेरे ख्याल में औरतें ज्यादा गर्मी होती है, पर कुछ आदमियों को भी तो मैंने देखा ना, मैं बता दे रही हूँ कि मैंने सुना है कि सती से मेरे जो है वो पैसे ना मांगना पड़ा, मथा लग गए और ये वो इस किस्म की बातें होती होती है। तो आदमी भी मेरे ख्याल में मर्द औरत सब कॉन्टिनेंट के लोग तो बराबर के पागल हैं, सॉरी टू से, मतलब ऐसे उल्टी सीधे कामों में उल्टी सीधी बातों में ना बराबर का लेवल है उनका, मर्द औरत की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, दोनों साइड जो है वो सॉरी दोनों साइड जो है ना वो अपने आबाओ अजदाद की फजूल बातों पे पूरी तसल्ली के साथ यकीन रख कर चलती होती है। और वही चीज़ हम नेक्स्ट जनरेशन को सिखा रहे हैं। आपको बताऊँ, अगर आप बच्चे को सांप से नहीं डराएंगे ना तो कभी भी सांप से नहीं डरेगा, वो तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो डर हम डालते हैं दिलों में, डर हम बिठाते हैं, खौफ हम बिठाते हैं, इसी डर और खौफ की वजह से लोग फोबिया का शिकार हो जाते हैं। और जिन लोगों को फोबिया हो जाते हैं ज़िंदगी बर्बाद हुई पड़ी हुई होती है। आपको पता है ना फोबियास कितना प्रॉब्लम करते हैं, हाइड्रोफोबिया हो गया, मतलब पानी का खौफ हो जाता है। अब पानी में जब तक हम जाएंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं, हमें पता है इतना गहरा पानी होगा और हम स्विम नहीं कर पाएंगे, स्विमिंग नहीं आती तो डूब जाएंगे वो। लेकिन लोगों को हाइड्रोफोबिया भी होता है, दूर से देखे और पानी में नहीं उतरना या छत पे नहीं जाना, बुलंदी का खौफ होता है, अंधेरे का खौफ होता है, डिफरेंट फोबियाज होते हैं। तो ये जिंदगी अजीरन करके रख देते हैं। और हमें डर गए, औरतें ज्यादा वहमी होती मेरे ख्याल से। हाँ, अंदर खाती जो है ना सारी सारी औरतें ही होती हैं कि जो वहमी हो रही होती हैं। और आ गया जरा बीजे, ओके लोगों आ गए हम वापस। 10:36 मिनट हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। इजाज मुश्ताक गुजर कह रहे हैं, फेसबुक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां जुमेरात को परफ्यूम लगाकर बाहर निकलने से चुड़ैलें पीछे पड़ जाती हैं। सिर्फ जुमेरात को, मैंने तो सुना रोज मगरिब के बाद अगर आपने परफ्यूम लगाई या कोई खुशबू लगाई तो चुड़ैलें जिन जो है वो चिपक जाते हैं, बहुत वेले फिर रहे होते हैं वो लोग और इंतजार करते हैं कि आप परफ्यूम लगाएं तो सही। आमिर कहते हैं औरतें ज्यादा वहमी होते हैं और जबान की कैंची की वजह से जो है वो ज्यादा लड़ाइयां होती है, कैंची चलाने की वजह से घरों में लड़ाइयां नहीं होती इतनी ज्यादा, बस वहम है हमारे, कुछ भी कह ले आप, क्यों लोगो आप कैसे बताएंगे बेचारों के, तो कॉल का सिस्टम ही बंद है। तो घरों में लड़ाइयां कैंची चलने से होती हैं, बच्चों के ऊपर से नहीं फैलांगना, उसका कद छोटा रह जाएगा और सुबह सवेरे पैसे नहीं मांगने, ये सब हो जाएगा, चुड़ैलें चिपक जाएंगी, बाल खोल के फिरने से भी चुड़ैलें चिपक जाएंगी। और क्या होता है जुमेरात को अगर बत्ती लगाओ तो सुकून हो जाएगा, और ये धूनी दो तो उससे भी बेहतरीन हालात हो जाएंगे। कुछ काम नहीं चल रहा तो बच्चे इवन फेल हो जाए तो फूफो ने तवीत कराए होंगे, मतलब ये सब कुछ है हमारी जिंदगियों में। और जिंदगियां इसी के मैरी गो राउंड का झूला बना हुआ है, इसके गिर्द घूर। हम ना अपनी नाकामी को एक्सेप्ट नहीं करते, प्रॉब्लम ये है हमारा बेसिकली, अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करें, हम माने कि ये हमारी गलती थी, इस वजह से ये हुआ, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ब्लेम गेम करनी है, अपनी गलतियां दूसरों के सर पे थोपनी है, तो फिर नजर भी लग जाएगी, फिर फूफो ने तावीज भी कराए होंगे, फिर मनहूस हो जाएगा टूटा हुआ शीशा भी, और फिर तेरा का हिंसा भी मनहूस होगा, फिर मंगल के दिन की नहूसत भी हमें लगेगी, फिर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर जिस दिन हमने ये समझ लिया ना कि हमारी अपनी गलती है, हमारा अपना वीक पॉइंट है, हमारी अपनी सुस्ती है, हमारा कुछ स्टार्स का भी होता है, वाकई में होता है, कुछ जादू टूना तावीज का भी होता है, कुछ जिन चुड़ैले भी होती है, अब मैं मानती हूँ हर चीज साथ थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन ये कि बेसिकली हमारी अपनी गलतियां होती हैं, उनको गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कौन गौर करेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि गौर कोई नहीं करने वाला है, नस्लों से चीजें चलती चली आ रही है और इसी तरह चलती चली जाएगी, मुझे शक है, पक्का यकीनी शक। तो फेसबुक वालों से इजाजत लूंगी मैं, और अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, इधर लोगों से थोड़ी और काम की बात करनी है ना, रेडियो वाले से मैं काम की बातें ज्यादा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।